बोथ ऑफ द सीनियर जर्नलिस्ट ऑन एयर। आपने बीजेपी को सुना दादा, आरजेडी को सुना, कांग्रेस को सुना, सपा को सुना, आप दोनों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं आप दोनों का व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं एक एक करके। दीपक दादा फर्स्ट यू एंड देन ओमकारेश्वर जी, ओमकारेश्वर जी योर काउंटर दादा, एक एक करके। थैंक यू। देखिए आरक्षण जो है इस समाज की एक हकीकत है और इस समाज की एक ज़रूरत है, ये हम सब जानते हैं। और उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए जो वाकई समाज में निचली पंक्ति के हैं। लेकिन मैं सबसे पहले कंचना जी को याद दिलाना चाहता हूं कि कंचना जी जेपी आंदोलन से लालू जी निकले थे और उसी के बाद छात्र नेता से वो देश के राष्ट्रीय नेता बने। आपको याद होगा सिताब दियारा से जब जेपी ने अपना आंदोलन शुरू किया था तो उन्होंने सबसे पहला नारा दिया था जाति छोड़ो पवित्र धागा तोड़ो और फिर आगे बढ़ो। क्या कहा था? जाति छोड़ो पवित्र धागा तोड़ो। और बचपन में मुझे याद है हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के लिए स्लोगन्स लिखा करते थे। ऐसे ही छोटे से गांव में रहते थे तो पॉलिटिकल पार्टी वाले ले जाते थे, कभी बीजेपी और कांग्रेस ही होती थी मध्य प्रदेश में उस जमाने में। तो एक नारा हमारे यहाँ काफ़ी लिखा होता था, उसमें था जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। और मैं सिर्फ एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहता हूँ आदरणीय रत्नाकर जी से। रत्नाकर जी, अगर इतना ज़्यादा प्यार है आरक्षण से तो फिर मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध क्यों किया गया था? और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ और अपनी टिप्पणी के तौर पर ये भी कहना चाहूँगा ऐश्वर्या जी, राहुल गांधी कांग्रेस और बाकियों को लगता है कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की काट जो है जाति है, इसीलिए जाति को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसीलिए जाति जनगणना की बात की जा रही है, आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि इसके पीछे वोट की पॉलिटिक्स है। उनको लगता है कि हिंदुत्व राष्ट्रवाद को जाति से काटा जा सकता है, आंशिक फायदा उनको 2024 के चुनाव में मिला है। ओमकारेश्वर पांडे जी, ओमकारेश्वर जी सर, योर व्यू पॉइंट। शहजाद जी, सरकारें जब बनाते हैं ना तो पिछले जो चुनाव के पहले के प्रचार के लिए जो ये सब इकट्ठे किए जाते हैं, किसने क्या बयान दिया था, किसने क्या कहा था, उसको रख के फिर काम किया जाता है। अगर वास्तव में आरक्षण के फेवर में आप हैं, आपकी पूरी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, तो कांग्रेस तो अभी विपक्ष में है, वो अपने घोषणा पत्र में डाल रही है, आप कल ही कैबिनेट में ले आइए, इसको पास कर दीजिए। जब महिला आरक्षण 10 साल बाद होना है उसको आपने पास कर दिया, वन इलेक्शन वन नेशन होना है आपने कर दिया, तो इसमें देरी किस बात की है? तुरंत कर देना चाहिए। और जैसा कि अनुराग जी कह रहे थे, अब उन्होंने भी कहा, मैं जाहिर है विपक्ष जो है जनता की आवाज होता है, इसलिए मैं विपक्ष के साथ खड़ा होता हूं। मैं ये कहता हूं कि प्राइवेट जो जॉब है उनमें भी आरक्षण दीजिए। इस समय तो पावरफुल थर्ड टर्म आया है, एनडीए सरकार आई है, दो टर्म फुल मोदी जी की गारंटी थी, इस बार एनडीए की गारंटी है। तो बातें करने की बजाय किसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था, उसने क्यों विरोध किया था, अरे तुरंत कैबिनेट में ये ले आइए, उसको पास कराइए। मुझे ऐसा लगता है कि आरक्षण के मसले पर गंभीरता बीजेपी सरकार में नहीं है, इसलिए वो यहां वहां की बातें कर लेती है। एक समय था जब कांग्रेस भी इसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन बाद में कांग्रेस इसके फेवर में आई 1990 के बाद, और उसके बाद अब तो उसने डाल दिया है। अब वो जाति जनगणना की बात कर रही है तो क्यों नहीं करवा लेते हैं, जातिगत जनगणना भी कराइए, उसको जो है रिजर्वेशन भी दीजिए। मुझे लगता है कि काम करने का वक्त है, बयानबाजी पिछले क्या कहा था, उसने क्या कहा था, चुनाव में अच्छा लगता है। मैं शहजाद काउंटर एंड देन अनुराग, बोलिए शहजाद जी। ओंकारेश्वर जी को बड़े सम्मान के साथ, क्योंकि राहुल गांधी जी से वो ज्यादा प्रभावित भी है, तो राहुल गांधी जी ने बोला कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब कि सत्ता में केवल मोदी जी नहीं है, सत्ता में कांग्रेस की सरकारें भी हैं। और इसीलिए ओंकारेश्वर जी, आपकी बात बिल्कुल सही है भाई। ओंकारेश्वर जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, ओंकारेश्वर जी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, ये तरीका ठीक नहीं है डिबेट का। आपने अपनी लंबी चौड़ी बातें बोली, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, अच्छी कड़वी जो भी थी मैंने सुनी, आपको भी सुनना पड़ेगा। लेकिन ये मत कहिए कि कौन किस प्रभावित है, राहुल गांधी से इतना लाज क्यों महसूस हो रही है भाई? चलिए राहुल गांधी से इतना लाज महसूस हो रहा है तो मैं उसको वापस ले लेता हूँ। अब मेरी बातों को मत डिस्टर्ब कीजिए, बात पूरी सुनिए, बात पूरी सुनिए, इसको बतंगड़ बनाकर डिस्टर्ब मत कीजिए। भूल जाते हैं ओमकारेश्वर जी,
भाई देखिए अब मतलब इनको सुनना नहीं है, बस आकर कहना है शहजाद कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन प्लीज कैरी ऑन। आप बोलिए। ओके आप बोलिए। आप बोलिए। आप बोलिए। ओमकारेश्वर जी, ओमकारेश्वर जी, ओमकारेश्वर जी, क्योंकि आप पत्रकारिता के उसूलों से बड़े प्रभावित है, तो पत्रकारिता के उसूल आपको बताएंगे कि सत्ता में केवल मोदी तो है नहीं, सत्ता में कांग्रेस भी है, कर्नाटक में भी है। क्या आपने बोला कांग्रेस से कि वादा काहे करते हो, कांग्रेस का सर्वे करवाओ ना, बिहार में किया बीजेपी ने। आपने बोला कांग्रेस से हिमाचल में रुके क्यों हो, कांग्रेस करवाओ ना का सर्वे, रुके क्यों हो, कांग्रेस ने करवाया बिहार में जैसे बीजेपी और जेडीयू की सरकार ने करवाया। और तीसरी बात, ये प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हो ना, कांग्रेस ने कर्नाटका में अभी बीच में अनाउंस किया था कि कर्नाटका के 90% लोगों को हम लोग आरक्षण दे देंगे। उनको बोलो कि SC ST OBC को दे दे। भाई अगर 90% लोकल को दे सकते हैं तो 90% जाति के आधार पर देने के लिए बोलो ना, रुके क्यों है मोदी के लिए। और आखिरी और फाइनल बात, बाकी सब छोड़ो, चरित्र दिखाता हूं हमारे बीच में। वैसे तो मैं पत्रकारों को जातियों से नहीं देखता और ना मैं उनकी जाति पूछकर उनको पिटवाता हूं, पर दीपक चौरसिया नाम का एक व्यक्ति, भारत का बेटा, DD न्यूज में काम करता था। दीपक चौरसिया ओबीसी समाज से आता है, वो कभी बताएंगे नहीं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं। दीपक चौरसिया को पहले दिन पर उनकी नौकरी से DD से निकाल कर बाहर रख देने का काम ये कांग्रेस का कुकर्म है। आप ओबीसी की बात करते हो, बोलिए दीपक चौरसिया से किसने माफी मांगी, पूछिए उनसे, जवाब दे दो। अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिएगा, कैन हैव एवरीवन ऑन इंक्लूडिंग कंचना जी एंड रत्नाकर। ओके ओके बोलिए 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 ओमकारेश्वर का जवाब जी दादा, बोलिए सेकंड का जवाब, बोलिए 30 सेकंड का। अनुराग जी, होल्ड सरकारों से चाहे किसी भी पार्टी की सरकार, अनुराग जी होल्ड ऑन, किसी भी पार्टी की सरकार हो, मैं कहता हूं अगर वो आरक्षण की बात करते तो करें, लेकिन जातिगत ये जो जनगणना है केंद्र सरकार का काम है। ना ना ना, ना हिमाचल में करो आप प्राइवेट सेक्टर, नीतीश बाबू ने कर दिया, कर्नाटक में करो प्राइवेट सेक्टर में, नीतीश बाबू ने कर्नाटक में करवाओ, लेकिन पहले कर्नाटक में इंडिया अलायंस करवाए, पहले कर्नाटक में इंडिया अलायंस करवाए, सभी राज्य करें, सभी राज्य बोलो, नहीं नहीं कर्नाटक में इंडिया अलायंस करवाए। इंडिया अलायंस से सवाल है कब करवाओगे कर्नाटक में, जो है सत्तारूढ़ पार्टी केंद्र में है वो क्यों ना 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 सत्तारूढ़ पार्टी, अनुराग भदौरिया से ओके ओके ओके। देखिए दर्शकों, नहीं अगर एक बहुत बड़ा सवाल पूछो कर्नाटक जो विपक्ष, ओके ओमकारेश्वर जी पॉइंट टेकन, शहजाद नाउ प्लीज। अगर आपको लगता है कि अनुराग जी ने कहा, कंचना जी ने कहा, रत्नाकर जी, एक मैं बात बोल रहा हूं, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए, यानी ये तय। एक सेकंड अनुराग जी, आ रहा हूं आप ही के पास, आ रहा हूं दादा, आ रहा हूं, गिव 30 सेकंड्स टू मी ऑल्सो समटाइम्स फॉर अ चेंज। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये डिसाइड करेगा कि आप, आपकी काबिलियत डिसाइड नहीं करेगी क्या कहीं भी, सिर्फ ये डिसाइड करेगा प्राइवेट सेक्टर में भी आप ये चाहते हैं, मतलब यहां पे मेरी जगह नहीं, हर जगह कौन नौकरी किसको मिलेगी वो काबिलियत पे नहीं, आपके मार्क्स पे नहीं, बच्चे भी देखते हैं डिबेट, आपके मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता। अगर आपके 50 आए और दूसरे के 35 आए, 35 से ज्यादा, तो भी उसको नौकरी मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। एंट्रेंस टेस्ट में आप पास हुए, दूसरा बॉर्डर लाइन पे पास हुआ, लेकिन क्योंकि वो उस जाति से, उसको मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। क्या ये जाति की बात है, तो क्या ये उस जाति वाले के साथ गलत नहीं है, उसकी क्या गलती है कि उसकी जाति वो है। जाति के भेदभाव हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है जातियों पे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, तो क्या अब रिवर्स भेदभाव होगा, क्या अब रिवर्स भेदभाव करेंगे आप कि प्राइवेट नौकरी में। बीजेपी ने भी हरियाणा में कोशिश की, हरियाणा के इलेक्शन से पहले, बीजेपी क्या बोल रही है, बीजेपी ने भी की, तो गुड़गांव में हलचल मच गई प्राइवेट कंपनीज में। दीपक दादा रियलिटी है, खट्टर साहब तब CM थे, हलचल मच गई भैया, कॉर्पोरेट कंपनीज बोले अरे वी कांट डू इट, वी कांट डू इट, भाई हम नहीं कर सकते हैं, काबिलियत से कैसे होगा। अब बात समझिए, कांग्रेस के प्रधानमंत्री को यह बोल के उस समय के राजीव गांधी को कि उन्होंने ऐसा कहा, क्या बीजेपी कर सकते नहीं, बीजेपी बोल रहे स्टेट वाले करो, स्टेट वाले करो, वो बोल रहे सेंटर वाले करें, हम क्यों करें। मैं कह रहा हूं भाई, देयर हैज टू बी ए फाइन लाइन, एक बारीक लाइन होनी चाहिए जो ये डिसाइड करेगी कितना रिजर्वेशन कहां रिजर्वेशन, कितना आरक्षण कहां आरक्षण। मना नहीं कर रहा है कंचना जी कोई कि जाति के उस पर मतलब दुर्गति लोगों की नहीं की गई है, कई सदियों तक की गई, कई दशकों से, पर इसका मतलब ये नहीं कि रिवर्स करेंगे आप।